हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। वेलकम इन फिजिक्स क्लास 11th चैप्टर नेम इज लॉज ऑफ मोशन एंड लेक्चर नंबर 12। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेबल रोड एंड बैंकेड रोड एंड बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट। आज ये थ्री टॉपिक ही हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं और ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नॉलेज एंड एग्जाम परस्पेक्टिव। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक चीज़, जिसने भी इससे पहले के लेक्चर नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाए और प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज हैं, उन सभी लेक्चर को देखें, उसके बाद इसे देखेंगे तो उन्हें बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए आज के हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक कितना ईजी है। तो पहला हमारा टॉपिक है कि सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेबल रोड, यानी कि जब कार एक लेवल रोड पे मूव करता है उस समय उस पर कितना सर्कुलर मोशन, यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, कौन कौन से फैक्टर वर्क करते हैं। तो फॉर एग्जांपल सपोज दैट दिस इज अ प्लेन सरफेस एंड this is a car like that, this is a wheel of car and this is a suppose that this is a car. ये कार है और ये लेबल रोड पर मूव कर रहा है लाइक दैट। अगर इस तरीके से ये कार एक लेबल रोड पर मूव कर रहा है तो यहां पर इस कार के सपोज दैट ये जो दो व्हील हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो यहां पर इन दोनों के जो इसका टोटल यानी कि नेट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा ये इनके टायर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं 2 मान के चलता हूं तो R1 एंड R2, दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ अ कार। ये कार के दोनों नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो टायर पे जो लग रहे हैं। और इस कार का अगर मास m है तो इसका वेट हो जाएगा mg। इस टायर में जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है सपोज दैट F1 एंड F2, दिस इज अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ अ कार बिटवीन टायर एंड रोड, लेबल रोड। नाउ अब यहां पर बस इतना ही देखना है कि एक कार है जिसका मास m है सो उसका वेट mg होगा, इसका नेट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स r होगा, जो कि दोनों नॉर्मल रिएक्शन फोर्स टायर पर अगर लग रहे हैं तो R1 एंड R2 होगा, और इन पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहे हैं F1 और F2 होगा। अब यहाँ पर देखते हैं इनके थोड़े से कैलकुलेशन। यहाँ पर हमें बात करना है कि टोटल फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, टोटल फ्रिक्शन फोर्स ऑफ अ कार। तो टोटल फ्रिक्शन फोर्स अगर F है तो ये दोनों जितने भी फोर्स उस पर टायर पर लग रहे हैं F1 F2 इन दोनों के सम के इक्वल होगा। नाउ सिंस F1 इज वॉट म्यू इंटू R1 एंड F2 इज वॉट म्यू इंटू R2, बिकॉज सरफेस सेम है तो वहां पर जो फ्रिक्शन कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स म्यू जो है वो सेम होगा, इसलिए म्यू1 म्यू2 नहीं लिखेंगे। So, दोनों फ्रिक्शन फोर्स पता चल गया, हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो एफ इज इक्वल टू म्यू R1 प्लस म्यू R2, म्यू इज कॉमन R1 प्लस R2। यहां से हमें ये पता चल गया कि टोटल फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, टोटल फ्रिक्शन फोर्स ये होगा। अब हम इसी चीज को लिख सकते हैं कि म्यू
अच्छा टोटल फ्रिक्शन फोर्स जितना भी है आज जैसे कि आर है, सो इनके सारे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का सम जो होगा ये नेट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, तो हम इसके प्लेस पर म्यू इंटू आर रख सकते हैं। और हमको पता है कि आर इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी, ये वेट और इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों इक्वल होगा, तो आर इक्वल टू एम जी आ गया। सो अब यहां पर पुट कर सकते हैं म्यू इंटू एम इंटू जी, दिस इज अ नेट फ्रिक्शन फोर्स ऑफ अ कार, इट हमें टोटल फ्रिक्शन फोर्स पता चल गया। अब अगर ये कार इजली लेबल रोड पर मूव कर रहा है, इसका मतलब कि जो उसका नेट फ्रिक्शन फोर्स है यानी कि एफ, या तो ये इक्वल होगा किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स। हम ऐसा बोल सकते हैं कि द टोटल फ्रिक्शन फोर्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल और ग्रेटर देन द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है या तो ज्यादा हो सकता है या क्या हो सकता है, उसके इक्वल हो सकता है किसके, सेंट्रीपिटल। क्या होता है सेंट्रीपिटल, कल ही बताए थे एम वी स्क्वायर अपान आर। तो ये यहां पर केस आया। अब यहां से फ्रिक्शन फोर्स की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, म्यू इंटू एम इंटू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर, एम से एम कैंसल, सो म्यू इंटू जी विच इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। सो यहां से वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं यहां नोट कर देता हूं, चेंज द मार्कर, सो म्यू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। नाउ वी स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू म्यू इंटू आर इंटू जी, ये होगा, क्यों होगा, देखिए यहां पर आर का मल्टीप्लाई होगा तो भी क्या था, लेसर देन था, इसलिए हम यहां पर साइन अपोजिट हो गया, क्योंकि अभी भी तो भी स्मॉल, भी स्क्वायर अपान आर जी क्या है, स्मॉल है, तो भी स्क्वायर आर जी इज लेस देन म्यू इंटू आर इंटू जी, बस यहां पर इसको क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है। नाउ भी इज इक्वल टू, अगर हम ले लेते हैं आर जी, या ये भी स्क्वायर इक्वल टू आर जी अगर हम पुट करते हैं, सो भी इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी, ये आएगा। ये हमारा है कि अगर कार लेबल रोड पर मूव कर रहा है तो उस समय वो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, म्यू इंटू आर इंटू जी। यहां पर आर क्या है, आर ये है कि अगर वो कार मूव कर रहा है और कहीं पर टर्निंग है लाइक दैट, तो वो उस टर्निंग को कितने रेडियस पर क्रॉस करेगा, तो उस टर्निंग को इजिली मूव कर जाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ अ कर्व्ड पाथ, दैट इज आर। एंड जी ग्रेविटी, म्यू कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एट दैट प्लेस। ओके, तो ये हमारा यहां से ये पता चल गया कि भी इज इक्वल टू म्यू इंटू आर जी। ये वेलोसिटी कब होगा, जब वो लेबल रोड पर कहीं पर टर्न कर रहा हो कार, जैसे ये लेबल रोड तो है लेकिन टर्निंग है, तो इस समय अगर इस टर्निंग का रेडियस आर है तो उसमें भी स्क्वायर भी इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू आर इंटू जी, ये होगा। तो इस तरीके से ये तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था, इसमें कुछ नहीं करना था, नेट फ्रिक्शन फोर्स निकालना था, और उस नेट फ्रिक्शन फोर्स के यहाँ पर एक केस होता है कि उस टर्निंग को वो तभी क्रॉस कर पाएगा कार, जब वहां पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स से फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो वो उस टर्निंग पर टर्न नहीं कर पाएगा, या यूं कह सकते हैं कि हम टर्निंग से बाहर चला जाएगा, तो इस वजह से इतना यहां पर वेलोसिटी आया। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है, अब थोड़ा सा चेंज है इस टॉपिक में, इसमें यह है कि यहां पर जो कार था वो एक लेबल रोड पे मूव कर रहा था, अब यहां लेबल रोड नहीं है, अब वो कार क्या है, जो एक बैंकेड रोड, यानी कि बैंकेड रोड पहले होता क्या है, बैंकेड रोड या कर्व रोड जिसे बोलते हैं वो होता क्या है, इफ आउटर फेस ऑफ रोड इज एबव द इनर फेस, अगर ऐसा कहीं पर हाईवे हो या रोड हो, सरफेस हो, जिसका आउटर फेस इनर से
एवं हो, हाइट पर हो, तो ऐसे फेस को हम लोग बोलते हैं कि बैंकेड रोड. लाइक दैट दिस, दिस इज अ हॉरिजेंटल प्लेन एंड दिस इज अ बैंकेड प्लेन. अब ये बैंकेड हो गया, अभी क्योंकि ये इसका इनर फेस है और ये इसका आउटर फेस है. इनर से आउटर किसी हाइट पर है, लाइक दैट, इतनी हाइट पर है, तो इसे हम बोलेंगे, ऐसे सरफेस को बोलेंगे बैंकेड सरफेस. अब यहां पर अगर यही कार मूव कर रहा है तो क्या होगा? सेम कार, दिस ये कार, इस बार कार कुछ सही बन गया है, तो ये कार है. यहाँ पर दिस इज ओनली अ डायग्राम नाउ. अब यहाँ पर क्या देखना है कि इस कार का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा आर, हमने बताया कि हमेशा उस बॉडी की जो सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर होता है, तो ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर होगा, ये दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. अब यहाँ पर इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, फर्स्ट इज वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल. तो दिस इज अ वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस इज अ हॉरिजेंटल कंपोनेंट. इफ द दिस एंगल इज थीटा, अगर ये एंगल थीटा है, सो दिस इज आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा. यहां समझने वाली चीज है कि इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल. अगर ये एंगल थीटा है, सो दिस इज आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा. अब यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स कहां लगता है? हमेशा सरफेस पर लगता है, जिस सरफेस मूव कर रहा है. सो दिस इज अ फ्रिक्शन फोर्स एफ. इस फ्रिक्शन फोर्स के भी दो कंपोनेंट बनेंगे. अब देखिए कौन कौन से, एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा. अब यहां पर लाइक दैट, अब यहां पर हमें यह देखना है कि अगर, क्योंकि यह एंगल थीटा था इसलिए यह एंगल थीटा होगा. अब यह एंगल थीटा है तो यह बन जाएगा एफ कॉस थीटा और यह कितना हो जाएगा एफ साइन थीटा. सिंपली इसका वेट जो होगा कार का, यह इस तरीके से काम करेगा, यानी कि mg का डायरेक्शन यह होगा. अगर एक कार बैंकेड सरफेस पर मूव करता है तो उस समय उस कार पर इतने सारे फोर्स वर्क करते हैं. फिर से इसको समझें, सबसे पहले इसका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि सरफेस ऐसे है, इसका परपेंडिकुलर ये हो गया. इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, और कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा. नाउ अनदर थिंग्स, यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि उसके सेंटर की तरफ होगा. अब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, थीटा एंगल के साथ है, तो इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा. वेट हमेशा इसके किधर काम करेगा, तो वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा. अब यहां पर हमें फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग सारे फोर्स को बैलेंस करना है. तो देखिए, अप में एक फोर्स काम कर रहा है आर कॉस थीटा, डाउन में दो एम जी एंड एफ साइन थीटा. सो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये हो जाएगा. यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं कि आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा विच इज इक्वल टू एम जे. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. नाउ यहां पर देखते हैं कौन कौन से फोर्स लगते हैं. तो यहां पर इस डायरेक्शन में आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है. इन दोनों को बैलेंस कौन करेगा? तो यहां पर बैलेंस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स एफ एम भी स्क्वायर अपॉन आर. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर अपॉन आर. वेरी सिंपल,
इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में दो फोर्स का इक्वल कर वर्क कर रहे हैं, इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, उसके सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल कह सकते हैं, दोनों को मैग्नीट्यूड सेम होता है। अब ये इक्वेशन आ गया सेकंड इक्वेशन, यहां पर क्या करना है कि हमें बस इजीली दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, तो हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा विच इज इक्वल टू होल अपान दिस आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, ना दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर होल अपान एम जे। हमने क्या किया है, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, बिल्कुल सिंपल का सब यहां पर वर्क, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, इस साइड में पूरी इक्वेशन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में हम एक कॉस थीटा से आर कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि आर कॉस थीटा से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, सो आर आर यहां पे आर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो आर से आर कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस यहां पर डिवाइड करेंगे आर कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, एफ अपॉन आर आ जाएगा, सो एफ अपॉन आर होल अपॉन आर कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा वन माइनस एफ साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, सो एफ अपॉन आर साइन अपॉन कॉस इज टेन, एफ अपॉन आर एंड साइन अपॉन कॉस इज टेन थीटा, एंड इन राइट साइड एम वी स्क्वायर अपॉन आर जी, सो एम से एम कैंसिल वी स्क्वायर अपॉन आर जी ये आ जाएगा। अब यहां पर हमें क्या करना है, वी नो दैट मैं ऐसा लिख सकते हैं व्हाट एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर, सो एफ अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू, बिल्कुल है सिंपल सा, एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर, सो एफ अपॉन आर दैट इज इक्वल टू म्यू। अब यहां पर जहां पर एफ अपॉन आर है वहां पर हम म्यू पुट कर सकते हैं, सो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, सो वी स्क्वायर इज व्हाट, यहां से वी स्क्वायर क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर इंटू जी इन ब्रैकेट टेन थीटा प्लस म्यू वन माइनस म्यू इंटू टेन थीटा लाइक दैट, सो वी इज इक्वल टू आर जी इन ब्रैकेट टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा, रूट ये, यहां से यह वेलोसिटी आ गया कि अगर हम चाहे यहां पर फाइंड करना चाहें कि थीटा कितना होगा कि वो और रेडियस कितना होना चाहिए और वहां पर कोफिशियंट कितना होना चाहिए कि कार वो इजिली उस बैंकेट टर्निंग को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, बैंकेट रोड को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, तो वहां पर हमें इन सभी कोफिशियंट यानी कि भी आर एंड थीटा और म्यू इसमें से जो सभी दिए रहेंगे, एक कोई अननोन होगा, जो अननोन होगा उसे हम फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास फ्रिक्शन कोफिशियंट है, एंगल है और रेडियस है उस टर्निंग का, तो हम बता सकते हैं कि उस टर्निंग को हम इतने स्पीड से क्रॉस करेंगे तो हम सेफ उस टर्निंग को क्रॉस कर पाएंगे, अदरवाइज हम अगर उससे ज़्यादा स्पीड से क्रॉस करते हैं तो हम उस टर्निंग को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, यानी कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू से पता चल सकता है कि उस बैंकेट सरफेस को कितना इंक्लाइंट पर बनाया जाए कि वहाँ से इतने स्पीड से व्हीकल क्रॉस कर जाए। कहीं पर आप देखे होंगे रेलवे ट्रैक के किनारे एक साइन प्लेट होता है, साइन बोर्ड, जिस पर लिखा रहता है कि 60 किमी मैक्सिमम स्पीड, 60 किमी टर्निंग पर, इसका मतलब यह होता है कि वहां से जो भी ट्रेन क्रॉस करेगी उसकी स्पीड अंडर 60 किमी होनी चाहिए, 60 किमी से अबव होगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि उस टर्निंग की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है क्रॉस कराने की वो 60 किमी है। इसी तरीके से तो यहां पर
एक चीज समझ में आया कि कैसे हम वेलोसिटी अगर एक लेवल रोड है तो तब के लिए, और कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि एक वेलोसिटी जब वहां पर बैंकेड सरफेस है उसके लिए। ये बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पर कुछ किया नहीं गया है, इक्वेशन दो बनाए गए हैं और ये मेन यहाँ पर देखना है कि कितने फोर्स वर्क कर रहे हैं, फिर वहां से मैथमेटिक्स है, बिल्कुल सिंपल सा। एक लास्ट टॉपिक है वह है कि बैंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। हम भी ऐसा करते हैं कि जब अपने बाइसिकल को किसी बैंकिड सरफेस पर या किसी टर्निंग पर हम अपने साइकिल को जब क्रॉस कराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर अपनी बाइसिकल को या बाइक को हम टर्निंग की तरफ थोड़ा सा झुका लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं अभी वो समझ में आ जाएगा, और ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगी। इसको देखते हैं, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्सिस एंड दिस इज अ वर्टिकल एक्सिस। Now, and this is a tire. This is your bicycle and this is your bicycle. Like that. ये bicycle जो है, जब हमें यहां पर यह पढ़ना है कि जब हम turning को cross करते हैं तो क्यों bicycle को हम turning की तरफ इंक्लाइन कर लेते हैं, झुका लेते हैं, तो हमें इसको समझना है। तो इसके लिए हमें इस पे सारे फोर्स कैलकुलेट करने होंगे। तो जो यहाँ पर इस बाइसिकल का वेट होगा वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, mg। इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के यानी कि बाइसिकल के प्लेन के से, तो ये हो गया आर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगर ये जो है बाइसिकल थीटा एंगल से उस टर्निंग को क्रॉस करता है, बैंकेट उस टर्निंग क्रॉस करता है, तो यहां पर ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो इस आर के दो कंपोनेंट बनेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट बनेंगे, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, दो कंपोनेंट बनेंगे। दूसरी चीज, इस पर इसका सेंट्रीपेटल फोर्स काम करेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बाइसिकल पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस थे उन सभी का मैं डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दिया। अब सिर्फ एक काम है कि हमें यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग सभी फोर्स को बैलेंस कर लेना है। कौन कौन से फोर्स किसको बैलेंस करेंगे, देखिए आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा, एंड आर साइन थीटा इज एम वी स्क्वायर आर जी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, सो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर जी। नाउ आर से आर कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan theta, and this is not equal m v square upon r whole upon mg, so v square upon rg, like now v is equal to theta is equal to tan inverse v square upon rg। ये है एंगल, और इस एंगल को बोलते हैं कि एंगल ऑफ बैंकेड सरफेस। हम इस कि कितने एंगल से
एंगल ऑफ बैंकिंग भी से बोलते हैं, ये वो एंगल है कि इतने ही एंगल से टर्निंग को हम क्रॉस करेंगे, यानी कि उस टर्निंग पर बाइसिकल को इंक्लाइन करेंगे, तब जाके हमारा बाइसिकल सेफली उस टर्निंग को क्रॉस कर पाएगा। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, हमें अपनी बाइसिकल के स्पीड और उस टर्निंग के रेडियस दो चीज अगर पता हो तो हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि अगर इस टर्निंग को इतना एंगल से क्रॉस करेंगे इतने स्पीड पर, तभी जाके उतने स्पीड से हम उस टर्निंग को क्रॉस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे सपोज दैट अगर ये 10 हो वेलोसिटी उसकी, तो यहाँ पर 10 पुट कर देंगे तो 100 हो जाएगा, और रेडियस भी 10 हो तो 100 × 10 ये आ गया 1 10 इनवर्स 1। यानी कि यहाँ पर एक चीज पता चला कि अगर 45 डिग्री पर हम उस टर्निंग को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तब जाकर हमारा वो बाइसिकल क्या होगा, सेफली उस टर्निंग को क्रॉस कर पाएगा, अदरवाइज इंजर्ड हो जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक इसी तरह से था कि एक लेबल रोड के लिए, एक बैंकेड सरफेस के लिए कार या बाइसिकल कोई भी टर्निंग को अगर क्रॉस करता है तो उसमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि उस टर्निंग को इतने ही स्पीड से आप क्रॉस कर पाएंगे, या उस टर्निंग के रेडियस इतना होना चाहिए, या आपकी बाइक का जो इंक्लाइंड है इतना होना चाहिए, तब जाके उस टर्निंग को आप सेफली क्रॉस कर पाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक था ये बहुत सिंपल था, सिर्फ एक चीज़ इसमें ध्यान देना था कि उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, उन सभी फोर्स को अगर आप कैलकुलेट कर ले रहे हैं तो इजिली आप उनको बैलेंस कर लेंगे और फार्मूला डिराइव कर पाएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो तीनों टॉपिक हम लोग समझे हैं ये सिंपल है, आपको समझ में आया होगा। अगर आएगा समझ में आपको तो आप हमें बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है। हम लोग फिर अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक से आप देखते रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।